पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में विदेश मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन वे फिलहाल न राज्यसभा और न लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में उन्हें अगले 6 महीने में संसद का सदस्य बनाना होगा। इस दिशा में भाजपा उन्हें गुजरात से राज्यसभा सांसद बनाकर भेज सकती है। अमित शाह, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद सहित कई नेताओं ने लोकसभा चुनाव लड़कर संसद पहुंचे हैं। ऐसे में उनकी जगह भाजपा दूसरे नेताओं को राज्यसभा भेजने की रणनीति बनाने में जुटी है। वैसे तो एस जयशंकर तमिलनाडु से आते हैं, लेकिन वहां से खाली हुई राज्यसभा सीट पर एस जयशंकर के चुनाव पर एनडीए की सहयोगी अन्नाद्रमुक पार्टी राजी नहीं हुई। एस जयशंकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कार्यकाल में 2015 से 2018 के बीच विदेश सचिव थे। रिटायरमेंट के 16 महीने बाद पीएम मोदी ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। विदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद जयशंकर ने पहले ट्वीट में कहा था कि सुषमा स्वराज के पद चिन्हों पर चलना उनके लिए एक गर्व की बात होगी।